बेटा देखो ये ना सिर्फ फिल्मों में होता है, वेब सीरीजों में होता है, ऐसे कोई उठा के मिलियन डॉलर्स नहीं दे देता। आइडिया, यूएस चलते हैं, सिलिकॉन वैली। इसकी सुन लो, सिलिकॉन वैली। बेटा मुझे मालूम है कि तुमने अपने स्टार्टअप कंपनी के चक्कर में दिन रात एक की हुई है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन तुम्हें ग्रेजुएट हुए 2 महीने हो गए। मैं उन टिपिकल बापों की तरह तुम्हें या तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा कि नौकरी ढूंढो। यहाँ पर जमींदारों और सिर्फ मिल ओनर्स को ही रिस्पेक्ट मिलती है, न्यू आइडियाज के लिए बहुत बैकवर्ड थिंकिंग है लोगों की। चलो तुम इस साल अपने सारे शौक पूरे कर लो, अगले साल हम खैर से कोई अच्छा रिश्ता देख के इसको ठिकाने लगा देंगे। हम पैसे नहीं मांग रहे, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या पता कल को उनके 10% के शेयर्स मिलियंस के हो जाए। जबरदस्त, फिर तो सबसे पहले मैं खुद ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। डील, 25% फॉर 700K। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम लोग का स्टार्टअप स्टार्ट हो सकता है। अजी परेशान राजी खबर है कहीं कुछ डिजिटल दबारा दा जोड़ के, यूट्यूब दबारा दा जोड़ के, फेसबुक दबारा दा जोड़ के, दोनों कंटेंट रा बांधे जुड़े और पैसे अरसा रिश्ता ना। सॉरी हमारी पश्तो थोड़ी वीक है। यू वांट मी टू मेक ऑल ऑफ दिस कंटेंट फॉर यू इन दिस प्राइस? हमारी थोड़ी इंग्लिश भी वीक है। ऐसी इवल लाफ्टर सुन के तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा जवाब क्या है? दानानीर जीना। नहीं, इसका नाम जीना नहीं है, ये हमजा है। मेरा नाम जीना है। तो हूज दानानीर? वो भी मैं हूँ। बाबा इमरान अशरफ। एक्सक्यूज मी, वो ड्रामा याद आ गया ना, वो भोला बोलता है ना, मैं हूँ मेरे साथ भी मैं हूँ। मैं ड्रामे नहीं देखती। क्या बात कर रही, हमने देखा था ना आपका वो यूनिफॉर्म वाला, वो स्पेशल था। तो इसे भी स्पेशल समझे कर दें? नो जीना, आई रियली वांट यू टू कंसीडर दिस ऑफर। ओह अच्छा बच्चू, सीधा फर्स्ट नेम बेसिस पे। दानानीर, आई एम जस्ट सेइंग कि विद इन 6 मंथ्स थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड आई रियली वांट यू टू कंसीडर दिस ऑफर। ओह दैट्स सो क्यूट, लेकिन मैं क्यूटनेस पे डिसीजंस नहीं लेती। ओह तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? नो 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 हेलो नो बट How is this relevant? Time will tell, my friend. Time will tell. तो फिर हम ना समझे? बिल्कुल सही समझे। और ये नीचे रखो यहाँ पे। Oh, hello, Fabra. How are you? Interesting. ROI. Fruitful हो सकता है. Returns हो सकते हैं. तुम लोगों के लिए, और मुझे इन रिटर्न तुम देते हो चिल्लर। 8 वीडियोस के लिए पता है मैं कितना चार्ज करता हूं आजकल? नहीं सर, आप ही बता दें। बहुत ज्यादा चार्ज करता हूं, तुम्हारी औकात से ज्यादा चार्ज करता हूं। बट सर, सर आई लाइक इट, कंटिन्यू। सर हमारे लिए क्या कॉस्ट होगी? प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हम एक स्टार्टअप है। अब आपने इतने क्यूट तरीके से पूछा है तो मैं मद्देनजर रखूंगा। भाई ये मेरे चार्जेस हैं। अब प्लेटफॉर्म चलाना है तो थोड़ा खर्चा तो करना ही होगा ना। सर कुछ तो ख्याल करें। तू मेरा पिन हो ये गया कि मैं तेरा ख्याल रखा है। व्यूज चाहिए कि नहीं? सब्सक्राइबर्स। ओ भाई जब तू डायल अप इंटरनेट के ऊपर वो देख रहा था ना, तब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, अभी भी 1 मिलियन ही रह गए हैं। सारा मूड खराब कर दिया यार। जी हाँ। अरे वाह, ये तो पहले से ही मान गए। थैंक यू सो मच सर। ओ शेरशाह के जिमों में जाने वाले लड़के, फोन तो किसी लेडीज का आया था। तुम 3 मुस्टंडे कौन हो? जी सर, मैंने कॉल की थी आपको। ओ चाइना की मिस मार्वल। यस यू। इन 3 खबीसों को साथ क्यों लेके आई हूँ? I don't like boys, I like girls. Sir, that's our proposal.
ओए मैनुअल बीएमडब्ल्यू चलाने वाली बला, वॉइस ओवर मैन को कोई प्रपोजल देखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से पहले माशाल्लाह मेरे बड़े फैंस थे, बिलियंस ट्रिलियंस, और तुम्हारी शक्लों से देख के लग रहा है कि तुम मेरे से फ्री कंटेंट बनवाने आए हो फॉर योर वेबसाइट। नहीं सर, फ्री नहीं। तुमसे मैंने बात की, तमिल फिल्मों के लवारिस हीरो, आई डोंट लाइक बॉयज, आई लाइक गर्ल्स। सर, स्टार्टअप्स को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, व्हाट इफ ये कंपनी बिलियन डॉलर वर्थी बन गई तो? बिलियन डॉलर? रुपीज में बताओ। ओए, ये तो अच्छा। 3% सर, 3% नहीं, 3 लाख। ओए पेपरमिंट नस्वार बनाने वाले मिक्सचर, तुम फिर बोले? लड़कियों को डील करने दो, बेहतर डील मिलेगी। 3% ऑफ योर कंपनी एंड 300K मंथली फॉर माय सर्विसेज टू यू। सर, और इसके अलावा कुछ पर वीडियो या पर एपिसोड भी होगा? जाहिर है मेरी जान होगा, मैं इस पावर हाउस ऑफ टैलेंट का फ्री में तुम्हें दूंगा। 300K पर मंथ एंड 3% ऑफ यू गाइस एंटायर कंपनी। थैंक यू फॉर द काउंटर ऑफर, हम इस बारे में सोच सकते हैं? वो नाजमाबाद के बर्गर बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन किसी और के बारे में, क्योंकि फिर मैं आपके हाथ से गया। सर, डील। डील। गाइस, फाइनली हमें एक कंटेंट क्रिएटर को मिला। दिस वाज़न्ट अ गुड डील। कंपनी के 3% शेयर्स ले गया वो वियर्डो। वेल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखो मरियम, सब तो हमें ऑफिस से निकाल रहे थे, अब किसी एक ने हाथ पकड़ा है। एंड डोंट वरी, वी स्टिल हैव 72% ऑफ द कंपनी। तुम दोनों पर छोड़ा ना, तो बाय द एंड ऑफ द वीक 15% बचेंगे हमारे पास। सारे शेयर्स बाजार में बेच दोगे। भाई मेरी जान, मेरी बात सुनो, इन्वेस्टर्स साइन कॉन्ट्रैक्ट्स मांग रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के, अब एक मिला है तो दिखाएंगे ना, और स्लो एंड स्टेडी सब हो जाएगा। You think I'm stupid? मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्टार्टअप्स कैसे बनते हैं और ग्रो करते हैं। पूरा सिलिकॉन वैली देखा है मैंने। कितने दिन लगे? सिलिकॉन वैली शो की बात कर रही है? यार, तुमसे पूछ के डिसीजन लिया था मैंने। इसको आप पूछना कहते हैं? You put me on the spot? क्या कहती मैं? मना कर देती? Both of you, don't gang up on me. I'm the CEO. यार बहस ना करो, मुझे लगता है ठीक है इन्होंने। अच्छा, so you're also part of the gang now? मेरी गैंग में कहां से आ गया? हम 5 ग्रेजुएट्स हैं जो मिलकर कंपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर्स बचे तो मरियम, ऐसे ही होता है। As long as we have 51% of the company, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जाकरी मरियम, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हामिद, सरप्राइज। What are you doing here? अंदर बैठने को नहीं कहोगी? Of course, come in. Not for you. Come. क्या लोगे? Tea, coffee, green tea? No, nothing at all. Thank you. Actually, मैं ये देने आया था। हमारी टर्म शीट और एग्रीमेंट। इसको किसी अच्छे लॉयर से चेक करवा लेना, then sign it. मरियम, it's very lengthy. आराम से पढ़ लेना, अपने लॉयर से भी अपीनल ले लेना। हामिद, I didn't thank you properly. अरे, no need. फायदा तो मेरा ही है। तुमसे मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। Hamid, I want to keep this strictly professional. Of course. Lekin kya do colleagues saath mein dinner nahi kar sakte? You know what I mean. Okay, I confess. Mere dusre motives the aane ke. Ye papers driver bhi la sakta tha. Mail bhi ho sakte the now that you have an office and all. Main tumhe dekhna chahta tha. Hamid. Yaar, tell me honestly. Do you have someone in your life? No. Phir masla kya hai? Let's take things slowly. But aaj main tumhe ye kehne aaya tha ki I think you're brilliant, charming, and most of all you qualify to be a CEO. Adho pehle bhi keh chuka hu,
कि तुम्हारा एक्सपोजर तुम्हारे दोस्तों से कई ज्यादा है, इसलिए मैंने ये शर्त रखी थी कि कल कोई मुझसे पूछे कि मैंने इतना कहां इन्वेस्ट कर दिया, सो आई विल टेल देम ऑनेस्टली, मैंने किसी कंपनी में नहीं, मैंने मरियम मलिक में इन्वेस्ट किया। हेलो, कैसी हो? वैसी जैसी आज शाम में थी। गुड। तुम? हाँ, मैं भी ठीक। कोई बात थी? नहीं, बस सब कुछ बहुत स्पीड में हो रहा है, मैं सोच रहा था कहीं कोई गलती ना हो जाए। हमसे अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? And I feel like हम सही कर रहे हैं। Thanks for the confidence। लेकिन वो मरियम के दोस्त से इन्वेस्टमेंट और फिर आज वॉइस ओवर मैन। I feel like आज वाला डिसीजन बिल्कुल ठीक था। तो क्या मरियम के दोस्त पे डाउट है? हाँ, थोड़ा सा। Tell me more। यार, मतलब हमें इतनी रिजेक्शंस मिल रही थी, जो पहला इंसान आया हमने हाँ कर दिया, which is fine, I mean ऐसा ही होता है। But हामिद का मोटिव और इंटरेस्ट मुझे हमारी कंपनी में नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट ना मरियम में है। तुम ठीक कह रही हो। और मरियम, I mean मरियम भी उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकती है। और शयान की भी सेम ही फ्रीक्वेंसी है। और मरियम को तो टाइटल्स की पड़ी है। कल से दो बार मुझे कह चुकी है कि आई एम द सीईओ। ना कभी मैंने ऐसा कहा, ना कभी तुमने कहा कि किसका आइडिया था, कौन लेके चला। बट मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं मरियम आउट ना हो जाए। और तुम्हें पता है कि हामिद भी उसे ही बैक करेगा। सही कह रही हो तुम। मैं मरियम से बात करता हूं। वो तुम्हारी क्यों सुनेगी? ट्राई तो करना है ना बिफोर दिस गेट्स आउट ऑफ हैंड। यार अभी बहुत सारी फंडिंग रहती है। ये तो सिर्फ 3 ईयर प्लान है। अगर प्रॉफिट्स नहीं शो किए ना तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, इन्वेस्टर्स भी हाथ उठा लेंगे। और फिर आयशा, ऐसी बातें मत करो। यू नो व्हाट दिस कंपनी मींस टू मी एंड ऑल ऑफ अस। मैं मरियम से बात करती हूं। ठीक है हमजा। हां, यू मेड द राइट डिसीजन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। बस कर यार, तुझे बोला ज्यादा ओवर ना हुआ कर, हर जगह शुरू हो जाता है। अरे तुमने नोटिस किया? क्या गैंगबाजी शुरू हो गई है? कहाँ पे? व्हाट्सएप पर। अबे यही हमारी कंपनी में। बकवास कर रहा है। सही बोल रहा हूँ। और जब एक गैंगबाजी शुरू होती है ना, फिर होती है गैंग वॉर, यानी के गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 3। अच्छा, होश में आ जा, क्या बकवास किए जा रहा है? पता होता है नहीं तुझे क्या बोल रहा है। मेरे भोले बादशाह, मेरी बात सुन। देख, मरियम को चढ़ गया नशा पावर का, क्योंकि उसका दोस्त हमारा इन्वेस्टर है। और ये जो हमजा आयशा है ना, इनके बीच में पक्का कुछ चल रहा है। ये लोग बोलते नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इन दोनों कर दे एक तरफ, हामिद और मरियम एक तरफ, बचा कौन? मैं और तू। इस कंपनी में हम पांचों बराबर के हिस्सेदार हैं। पता नहीं यार, ऐसा लगता तो नहीं है। अरे भाई देख, अपने इन कंधों पे ना ज्यादा शैतान को हावी होने ना दे। होश में आ। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये हमें निकाल देंगे। पागल हो गया क्या? तू ये बता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हो कि हम सारे बराबर के हिस्सेदार हैं? हाँ यार, जब भी कंपनी बन रही थी तो हम सबने साइन। हाँ, वो कागजात तूने खुद देखे अपनी इन आंखों से? साइन किया है खुद? हाँ बोल। नहीं ना, मैंने भी नहीं देखे। ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी। हाय बेटा। हाय, क्या हाल है मेरी एंटरप्रेन्योर बेटी का? आज तो मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, आज हम डिनर पे थे तुम्हारे अंकल इनायत के साथ, हामिद के फादर। कैसे है वो?
बहुत खुश एंड इट्स रियली गुड टू नो दैट यू एंड हामिद आर गेटिंग अलोंग सो वेल. उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया. आई एम श्योर कि तुम नहीं उसे कन्विंस किया होगा वरना तो तुम्हारे सारे निकम्मे दोस्त बिल्कुल फारिग. हम सब गए थे उससे मीटिंग करने. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया, इतना कैपिटल रेज किया, वो भी अपने बलबूते पे. आई एम प्राउड ऑफ यू. अभी तो बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, बहुत सारी फंडिंग इकट्ठी करनी है. देयर इज सो मच टू डू. आई विल बी ऑनेस्ट, पहले मुझे लगता था कि ये सब तुम्हारी हॉबी है. वो पैकेजिंग वाला बिजनेस, फिर वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. लेकिन भाई तुम तो सीरियस निकली, इतना कुछ कर लिया तुमने, वाओ. थैंक यू. बेटा तुम एक काम करो, टू शो माय लव एंड एप्रिसिएशन फॉर योर वर्क, कल एक प्रपोजल बना के मेरे ऑफिस भिजवा देना. मैं भी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. आर यू सीरियस? ओह थैंक यू पापा, आई लव यू. यू वेलकम. तुम्हारे पापा कह रहे थे मरियम बड़ी होगी उसकी हेल्प करनी चाहिए. थैंक यू. और जब तुम मशहूर हो जाओ तो हमें भूल नहीं जाना. You really deserve it, beta. You really deserve it. And by the way, you and Hamid make a nice couple. कि कल कोई मुझसे पूछे कि मैंने इतना कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, so I'll tell them honestly. मैंने किसी कंपनी में नहीं, मैंने मरियम मलिक में इन्वेस्ट किया. यार ये मरियम कहाँ रह गई? वैसे तो कभी किसी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुई. आयशा कॉल करके पूछो खैरियत तो है. थोड़ा वेट कर लो ना, आ जाइए. यार हमजा, जरा एक बात करनी थी तेरे से. हाँ बोल. वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स कहाँ हैं? रजिस्ट्रार के पास. अच्छा तो तूने साइन तो लिया नहीं उस पे? हम क्या मतलब? मतलब ये कि हम पांचों का नाम है ना उसमें. हाँ I'm sure. तो फिर साइन क्यों नहीं लिए? I don't know यार, वो एक बंदे के थ्रू करवाई थी रजिस्ट्रेशन. खैरियत है? यार हमें लगता है कंपनी में गैंगबाजी चल रही है. गैंगबाजी के बाद होती है गैंग वॉर. तो एक काम कर, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करवा ले. तो क्या? दो मिनट लगते हैं, करवा. श्योर. क्या हुआ गाइस? इन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए. कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. आ गया. ये क्या है? क्या क्या है? इसमें सिर्फ तेरा और आयशा का नाम है. क्या बकवास कर रहा है तू? इधर दिखा. गाइस दिस इज अ मिस्टेक. आई विल सॉल्व इट. मिस्टेक तो है लेकिन किसकी? लॉयर की. और किसकी? मुझे पता था सस्ता लॉयर नहीं करना चाहिए, बट खैर मैं इसका हल कर लूंगा. हाँ अच्छा हुआ ये तो मैंने तेरे से पूछ लिया, वरना तुम और आयशा तो अपने में चल रहे हो. क्या नहीं आती तेरी? हाँ हम सबको कंपनी से प्यार से बाहर करके सब माल अकेले. हाँ तो क्या बात कर रहा है तू? मुझे जानता नहीं है? मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? वैसे भी ये डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं हुए. हाँ हाँ सही तो हो ही जाएगा, लेकिन इससे बहुत कुछ बदल जाएगा. शायान यार, हामिद को जो ईमेल गई थी उसमें हम सबके नाम थे और तुम सब सीसीड भी थे. जब कॉन्टेक्ट में हमारा नाम नहीं है तो क्या फायदा फिर ऐसे? तू गलत समझ रहा है यार. अरे बहुत बड़ी बकवास तेरी. अब जो होगा लॉयर्स के थ्रू होगा, भी तेरे नहीं हमारे. साला दो पैसे क्या आ गए, तुम लोग तो पागल ही हो गए. है क्या नियत थी? नियत क्या थी ये बता. कंपनी से बाहर निकाल लेगी हमें. शायान तू गलत समझ रहा है यार. रिलैक्स. शट अप. क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? दो पैसे क्या है, दिमाग खराब हो गया तेरा? होश में आ शायान, क्या बोल रहा तू? गाइस कम ऑन, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं एक दिन मीटिंग के लिए लेट क्या हो गई? तुम लोग तो कुत्ते बिल्लियों में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए हो. मरियम. ओह नो नो लिसन, पापा हैज एग्रीड, वो 15% और इन्वेस्ट कर रहे हैं. इजंट दैट कूल? 15% ऑफ व्हाट? तुमने कहीं हां तो नहीं कर दी? व्हाट डू यू मीन? पैसे नहीं चाहिए? आई मीन कि एक दफा हमसे डिस्कस तो कर लेते यार. वाओ, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल तुम मुझे बातें सुना रहे हो.
मरियम हमजा का वो मतलब? ओ प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट। मुझे अच्छे से पता था क्या मतलब था। क्या हो रहा है? मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या 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 बोलो ना, मुंह पे बोलो, क्या बोलना है? अच्छा तो सुनो, तुम दोनों ने ग्रुप फॉर्म कर लिया और हम तीनों को आइसोलेट कर दिया। हमारे आइडियाज, हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। लिसन, सारे डिसीजंस तुम लोगों के सामने हुए, एवरी वन ऑफ यू। इट्स यू जिसने हमारे पीछे ना डील डन किए जाके। पापा की इन्वेस्टमेंट मैं लेकर आई, हामिद की इन्वेस्टमेंट मैं लेकर आई। यू हैव सम नर्व। माय गॉड। मरियम, तुम्हें जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, उसके बाद फैसला करना क्या है तुम्हें पता है? कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इन दोनों का नाम है, हमजा एंड आयशा। मुझे तो लग रहा है स्टार्टअप से पहले ही शटडाउन होने वाला है। ये बात शायान के माइंड में किसने डाली है? पता नहीं यार, अभी कान भरने वाले कम थोड़ी हैं। वैसे इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, एवी अग्रेसिव हो रहा था। ना शायान ने कोई बात सुनी, ना मरियम ने एक्सप्लेन करने का मौका दिया। मैं समझा दूंगा उनको, फिक्र नहीं करो तुम। अच्छे काम तो करो यार तुम लोग, हम तीनों का नाम तो डालो, फिर करते हैं ना कुछ। यार तेरे सामने तो लॉयर को कहा है, डांटा भी है उसको, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? कमाल है यार। और शुरू से तो मैं कह रही हूँ कि ट्यूबलाइट हम पांचों का था, हम पांचों का रहेगा। ये टाइटल्स और नाम मायने थोड़ी रखते हैं। मरियम के लिए तो रखते हैं, स्पेशली अब से, अब तो वो खुद को सीईओ समझ रही है। समझने दो से, फिलहाल हम ऑलरेडी इतनी लिफ्ट ऑफ सिचुएशन में, बैठ के ये फिगर आउट करेंगे क्या? वैसे भी एक दफा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पे सीईओ का नाम आ जाए तो चेंज करना मुश्किल होता है, यू नो, बोर्ड इन्वॉल्वड होता है। उनकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं जाती हूँ मरियम की तरफ। मैं शायान के पास जाता हूँ। और मैं जा रहा हूँ लंच की तरफ। अच्छा यार तू देख तो सही, वैसे फोन तो चेक कर, हो सकता है नाम चेंज हो गया हो डॉक्यूमेंट्स में। बस मैं तो वहीं लगा हुआ था, बाकी तू बता। शायान कैसे है? कैसे? हाँ भाई, क्यों तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? अच्छा ये देख कितने की होगी। मुझे नहीं पता। अबे बोल ना। अबे मुझे नहीं पता घड़ियों का यार। 5 लाख की है मेरे दोस्त, 5 लाख की। अच्छा ये बता मैंने कितने मिली होगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता। 0 में। कैसे? नहीं यार, बचपन में जो चीज चाहिए होती थी ना, अब्बा से बोलता था, लेकिन हमारे अब्बा में ना हिम्मत थी ना उसके पास पैसे थे, तो इसलिए बिल्लू ने डिसाइड किया कि बेटा अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, उंगली टेढ़ी करके घी निकाल ले। तूने चोरी की है? अड़ी हुई बाबे, तू कैसे नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करता है यार। देख उधार लिए 100 साल के लिए। ये तो हुई बात हो गई मोबाइल चोरों वाली, कि आए और ले गए। अबे ना अपने पास डिग्री है और ना कोई जान पहचान, खाक नौकरी देगा कोई हमें? तो कभी तूने कोशिश की है? हैं? नहीं। शायान, अच्छा चल मिलते हैं बाद में, बात करते हैं इस बारे में। चल इधर अभी तक आसिया। हाँ भाई, और क्या अपने नाम करने आया है? ये लड़के कौन थे? मोहल्ले के लड़के हैं। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आज मुझे मेरे बचपन के दोस्त ने धोखा दिया। पता नहीं मैं बात भी क्यों कर रहा हूँ तेरे से। इधर देख, बचपन का दोस्त मानता ना मुझे, तो तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ? हाँ यार गलती हो गई मुझसे, इस सब क्रेजीनेस में डबल चेक नहीं कर सका, लेकिन ये देख ये देख ये देख अब सब सही हो गया। ये देख यार, तू कैसे सोच सकता कि मैं जान पूछ के तेरा नाम नहीं डालूंगा? गलती हो गई यार, ये माफ कर दे यार। आज के बाद ये हाथ ना जोड़ना, ना मेरे सामने ना किसी और के सामने। तो तूने माफ किया मुझे? ये हुई ना बात, आ जा तुझे कॉफी पिलाऊं। अच्छा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे कैसे, बात तो करनी पड़ेगी। अगर तुम इंसिस्ट करो कि तुम्हें अपने कमरे में वापस, तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी कमरे में। देखो एक बार बात तो सुन लो हमजा की, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, ये चेक करो सब कुछ ठीक हो गया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड? ये हम सबके बराबर की कंपनी है यार। आई एम द सीईओ, 40% की इन्वेस्टमेंट मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे ख्याल में कितना मुश्किल काम है मेरे लिए बाकी की इन्वेस्टमेंट लाना? आई डोंट नीड यू गाइस। क्या बकवास कर रही हो,
तो तुम ये सब अकेले चलाओगी? Why not? अभी तक सब कुछ मैं ही करती आई हूँ, तुम लोगों ने किया ही क्या है? Can't believe it. कल तक हम इतने क्लोज फ्रेंड्स थे मरियम, और एक टाइटल के चक्कर में तुम उससे इस तरीके से बात कर रही हो। ये मत बोलो कि ये आइडिया किसका था। बहुत यूनिक आइडिया था, है ना? नेटफ्लिक्स को फिर से इन्वेंट करते हैं। डोंट फॉरगेट, सब कुछ एग्जीक्यूशन होता है जो कि मैं कर रही हूँ। तो तुम ये सब हमारे बगैर करोगी? मुझे तुम में से किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं। देखो मरियम, आराम से बैठ के बात कर लेते, इतना सेल्फिश क्यों हो रही हो तुम? भाड़ में जाओ तुम सब। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद यू हैव सम नर्व जो तुम आके मुझे लेक्चर दे रही हो। वो रहा दरवाजा। मरियम, तुझे कह रहा था ना मैं दिल का अच्छा आदमी है यार, तो ऐसे ही से गालियां दे रहा था फजूल में। नहीं, मैंने कौन सी गालियां दी हैं? ये जरूर तेरा ही आइडिया लग रहा है, मुझे तो नहीं इसके माइंड में डाला था। मेरे में शक कर रहा है? मैं तो पीस मेकर आदमी हूँ भाई, क्या हो गया? मेरे तो खून में ही लड़ना नहीं है। तूने मेरे अब्बा नहीं देखे कैसे प्यार बांटते फिरते? बस एक तुझे ही प्यार नहीं दिया उन्होंने, बाकी हर जगह प्यार बांटा है, चाहे अच्छे वैसे। खैर, आई होप कि वो आयशा मरियम का कुछ दिमाग ठीक करे। ना ना बेटा ना, वो तो कुर्सी और पावर का नशा है, वो नहीं जाता इतनी जल्दी। काली जबान हमेशा नेगेटिव ही बोलती है। मैं काली जबान हूँ? वो देख नाम लिया, आयशा आ गई। हेलो आयशा, अब जरा गुड न्यूज सुना दो। यार ये मरियम तो बहुत ही जिद्दी है। मुझे कह रही थी कि सारा काम मैंने किया है और बाकी की इन्वेस्टमेंट मैं खुद ले आऊंगी, और ये कह के मुझे घर से निकाल दिया उसे। हैं? वाकई? मुझे तो लगा घर से सिर्फ मुझे ही बाहर निकालते हैं। एक तो यहाँ जब कुछ ठीक होने लगता है फिर कोई गड़बड़ हो जाती है, और हामिद के कॉन्ट्रैक्ट में भी उसी का नाम सीईओ में लिखा। यही है भाई, यही है। मैं बता रहा हूँ, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, मरियम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये हामिद ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो ट्यूबलाइट में नहीं की, वो मरियम में की है। भूल जाओ भाई, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके बगैर काम करने का कह भी नहीं रहा। तो सीईओ थे यार, ये सारी ना बात की बात है। अभी जो मसला है उसको सॉल्व करना है। मसला ये कि हम मरियम के बिना काम नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं ट्राई करूं मरियम से बात करके। वो मेरी नहीं सुन रही है, तुम्हारी क्यों सुने? एक काम करते हैं, ये नाम में सुनने वाली टीचरिंग का फायदा उठाते हैं। याद है तुम दोनों का नाम था वहां, हमारा नहीं। वाह वाह मेरे चीते, तू तो इंडिया की तरफ से खेलेगा और उन्हीं को हड़वा के आएगा। सॉलिड यार, तुम्हारी आराम से मारा कर, 10 बार बोला। आई होप थिंग्स वर्क आउट। You know what? You were right. ना तो इनमें से किसी में कोई टैलेंट है और ना इनकी कोई पीआर। मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर। In fact, you don't even need them for this. You know, आयशा क्या कह रही थी कि ये आइडिया किसका है? फिर तुमने क्या कहा? सुना दी मैंने तो उसको। Like बहुत out of the box idea है ना, Netflix को reinvent करना। Uber के बाद हर मुल्क में competitions भी आ गए। करीम, Lyft, it's a free world. तो क्या हो गया अगर पहले हो चुका है? I'm gonna speak to Papa कि मुझे थोड़ी और इन्वेस्टमेंट दें। हामिद? Yes, darling. तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। मैं हूँ ना तुम्हारा पार्टनर, 25% का। No, no. I mean like an active partner. इनसे जान छुड़ानी है तो I would need somebody, और तुमसे बेहतर कौन हेल्प कर सकता है मेरी? Would be so exciting working closely. And if you're my partner, तो फिर ये problem तो क्या कोई भी problem नहीं आएगी, because I know you would sort it out. We will sort them out, Maria. हमारे lawyer से कब मिल सकते हैं? हाँ, contract amend करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उन तीनों के नाम हैं. I mean they have the right to take you to court, but बहुत आए हैं, बहुत गए हैं. In fact, ऐसे cases तो मेरे favorite हैं. Trust me, when I'm done with them, 500K का डबल दे रहे होंगे। रोड पर ले आऊंगा इन्हें। ओए, चल बिल दे। मैं क्यों दूं भाई, मेरा कौन सा हैप्पी बर्थडे? डच करते ना सोना। ए, इधर आओ,
मुझे दो, मुझे दे दो ना, बराबर की पार्टनर हो ना, तो बिल में भी बराबर का हक बनता है मेरा। नेक्स्ट टाइम तुम दे देना। Disrupt? Come present your startup to the most dynamic VCs in the country. Last date? Date kya aaj? 13. Time? 8:30. Chalo bhago. Kya hua? Baki ki funding mil gayi. Hain? Haan. Ye batao. Acha mujhe to leke jao. Kya kar rahe ho? Enough about work. Tell me about yourself. What do you want? Kya pasand hai? Music, movies, traveling. All of the above. Same like me. I like playing polo. And you know what else I love? I love a good cigar. Cuban. And of course, my favorite hobby is making money. Waiter? Order? Yes, sir. I'll have a filet mignon. And a beautiful lady will have the same. No, actually, I'll have a red snapper with mash. The meat here is to die for. I'm sure, but I'll have a snapper. Suit yourself. मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था। हाँ, तुम कहाँ थे? तुम अपनी हॉबीज बता। London is like my second home. मेरा अपार्टमेंट है वहाँ। Plus my uni buddies are all there. तो डैड ने बुला लिया वरना 3-4 साल और पार्टी करनी थी। Excuse me. हाँ शायान बोलो। हाँ मरियम कहाँ पे हो? With a friend. Why? जल्दी से मुझे अपनी यार लोकेशन तो भेजो। Clifton Block 2 Cafe 6. सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास और मैं नहीं पूछूंगा तुम किसके साथ हो। शायान, मैं आयशा को भी clearly बता चुकी हूँ that I don't want. यकीन करो। जहाँ मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ उसके बाद तुम सब भूल जाओगी। Trust me. What's going on? I have to go. कहाँ? My friends are here. अरे तुम्हारा खाना आ रहा है। तुम ऐसा करना उसको एक्सचेंज करा के दो फिले मिनियों मंगा लेना। I've heard the meat here is excellent. Okay, bye. जल्दी जल्दी कर यार, 400 का 400 का जल्दी। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? ये देखो डिस्टर्ब। अरे लास्ट डेट है आज, आखिरी 50 मिनट है यार, जल्दी कर यार। कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में? हमजा तेज तेज जल्दी जल्दी। हाय। जल्दी करो। कैन आई हेल्प यू? जी वी टीम ट्यूबलाइट, हम रजिस्टर करने आए हैं। बट आप लोग तो काफी लेट हो चुके हैं। बट इट्स 4:40, आपने एड में लिखा था 5 PM 13 जून। जी मुझे पता है, बट कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी होता है, आप लोग काफी लेट हो चुके हैं, आपकी टीम को वेट करना पड़ेगा। तो अभी नहीं करें ना पैकअप, हमारी एंट्री कर लें फिर कर लेना पैकअप। देखिए ऑलरेडी आप लोग लेट हो चुके हैं, सब जा चुके हैं, मैं भी बस जा रही हूँ। लिसन लेडी, If you don't want to get sued by Aslam Changezi, who happens to be my chacha, you better register us right now. Okay, okay, relax. Wait, तू मेरे पैसे कर देगा अभी? मैं बाद में। Of course, यार, कैसी बातें कर रहा है? Thank you. Don't. You guys can't do anything without me. जी तो एंड में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग फर्स्ट, इट इज अबाउट बीइंग बेटर। थैंक यू एवरीवन। व्हाट डू यू गाइस थिंक? सही था, लेकिन थोड़ा डांस वांस होने चाहिए। क्या बकवास कर रहा है यार? अबे मजाक कर, लेकिन यार थोड़ा एक दो ठुमके मार ही दे, मजा आ जाएगा। चुप कर, तुम लोग बताओ। इट्स नाइस।